सिंगरौली के एक निजी स्कूल में पुलिस ने महिला सुरक्षा एवं जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें छात्राओं को गुड टच बैड टच सहित महिलाओं की सुरक्षा संबंधित जानकारी दी गई। नवानगर थाना पुलिस द्वारा डीएवी स्कूल निगाही में महिला सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं सहित शिक्षक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने गुड टच बैड टच, लैंगिक अपराधों, पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा जैसे अपराध के संबंध में छात्रों को जानकारी दी एवं शासन द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, पुलिस डायल 100, चाइल्ड केयर 1098 के संबंध में बताया। उन्होंने कहा कोई भी समस्या होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। साथ ही उपस्थित छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई कि अपराधों से डरेंगे नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करेंगे। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से महिलाओं बच्चियों में हो रहे अपराधों में कमी आएगी। हमारे देश के जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय उन्होंने बहुत संवेदनशीलता के साथ में लेकर के इसमें एक अभियान शुरू किया है, प्रदेशव्यापी अभियान है। तो 6 तारीख से शुरू हुआ है और ये 26 जनवरी तक चलेगा और बड़े व्यापक स्तर पर जो है अलग अलग टीमें और सभी जितने भी विभाग हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, महिला बाल विकास विभाग हो, नगर निगम हो, राजस्व विभाग हो, सभी विभागों का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है और ये अभियान चल रहा है, जिसके अंदर प्रतिदिन कोई ना कोई टास्क लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।